क्या आप जानते हैं इंदौर के फेमस भवर कुआ चौराहा का नाम बदल दिया गया है और बदलकर टंटिया मामा कर दिया गया है। इसके अलावा इंदौर में 53 करोड़ की लागत से बन रहे नए बस स्टैंड और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी टंटिया मामा के नाम पर रखा जाएगा। क्या आप जानते हैं कि टंटिया मामा भील कौन है जिनके नाम पर चौराहा और स्टेशन का नाम रखा गया है? तो आइए जानते हैं। इंडियन रॉबिनहुड के नाम से पहचाने जाने वाले गरीब आदिवासियों के मसीहा, अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाने वाले, उनके विद्रोही तेवर से मिली पहचान, कुछ ऐसे थे टंटिया मामा। टंटिया भील उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने में अपने अदम्य साहस और जुनून के कारण जनता के लिए खुद को तैयार किया। उन्होंने गरीबी अमीरी का भेद हटाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया, जिसमें वे छोटे बड़े सभी के मामा के रूप में भी जाने जाने लगे। मामा संबोधन इतना लोकप्रिय हो गया कि आज भी भील जाति को मामा के नाम से भी जाना जाता है। टंटिया एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहा, मालदारों से माल लूटकर वह गरीबों में बांटने लगा, लोगों के सुख दुख में सहयोगी बनने लगा। इसके अलावा गरीब कन्याओं की शादी कराना, निर्धन व असहाय लोगों की मदद करने से टंटिया मामा सबका प्रिय बन गया, जिससे उसकी पूजा होने लगी। अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटने के कारण वह आदिवासियों का रॉबिनहुड बन गया। बता दे कि रॉबिनहुड विदेश में कुशल तलवारबाज और तीरंदाज था जो अमीरों से माल लूटकर गरीबों में बांटता था। बताया जाता है कि टंटिया निमाड़ अंचल के घने जंगलों में पड़ा बड़ा है। वह इतना चतुर और चपल था कि अंग्रेजों को उसे पकड़ने में करीब 7 साल लग गए। उसे वर्ष 1888 व 1890 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाला टंटिया मामा गरीबों की मदद करने के कारण बड़ा लोकप्रिय था। इसकी वानगी तब देखने को मिली जब 11 अगस्त 1886 को उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के लिए जबलपुर ले जाया गया। इस दौरान टंटिया की एक झलक पाने के लिए जगह जगह जनसैलाब उमड़ पड़ा था, जिसके बाद 19 अक्टूबर 1890 को टंटिया को फांसी की सजा सुनाई गई और महू के पास पाताल पानी के जंगल में उसे गोली मारकर फेंक दिया गया था। जहां पर इस वीर पुरुष की समाधि बनी हुई है, वहां से गुजरने वाली ट्रेन रुककर सलामी देती है। आपको बता दे कि मध्य प्रदेश के हीरो टंटिया मामा के जीवन पर आधारित फिल्म टंटिया भील भी बनाई जा चुकी है। फिल्म का लेखन निर्देशन प्रदेश के मुकेश चौकसे ने किया था, साथ ही फिल्म में टंटिया भील का किरदार भी मुकेश चौकसे ने ही निभाया है। फिल्म में टंटिया मामा का अंग्रेजों से लोहा लेना, लूटपाट करना और उस धन को गरीबों में बांट देना, इसके अलावा उनके जेल में गुजारे दिनों को दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया कि टंटिया मामा के पिता अपनी जमीन गिरवी रखकर जमींदारों से कर्ज लेते हैं। इस कर्ज के बोझ तले ही वे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनके मरने के बाद यह कर्ज टंटिया मामा पर आ जाता है। कर्ज की वसूली के लिए जमींदार टंटिया को परेशान करने लगते हैं और आखिर में टंटिया की जमीन भी हड़प लेते हैं। इस फिल्म में टंटिया भील के गुरुजी का किरदार सुप्रसिद्ध अभिनेता कादर खान ने निभाया था। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।